गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड यूनिट का प्ले यानी कि खेल। इसमें हम करेंगे खेल का अर्थ, विशेषताएं तथा प्रकार यानी कि मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ प्ले। पहले हम करेंगे खेल का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ प्ले। खेल क्या होता है? खेल जो होता है वो बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हर एक बच्चे में की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है, वो होती है प्ले। प्ले के द्वारा जो बालक है उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ उनके अंदर सामाजिक अंतःक्रियाओं का विकास होता है। कहते हैं ना कि बच्चे के लिए जितना ही खाना ज़रूरी होता है उतना ही उसके लिए खेलना। अब छोटे बच्चे के लिए तो वो तो पढ़ता नहीं है ना, बट उसके लिए जितनी वो एक्टिविटी करेगा उसके लिए वो उतनी अच्छी होती है। ठीक है बेटा, एक्टिविटी के द्वारा उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के साथ साथ उसकी अंतःक्रियाओं का विकास भी होता है। और इससे प्ले के द्वारा भी जो बालक की बुद्धि का विकास भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, अब स्कूल्स में प्लेस करवाए जाते हैं। क्वेश्चन जैसे कि मान लो कि कोई क्विज करवाया जाता है, इसमें भी बच्चे अपना माइंड यूज़ करते हैं यानी कि खेल की विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसे वो इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इस खेल के द्वारा बच्चों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होती है। ठीक है, इससे प्ले के द्वारा, देखा ना बच्चे जब स्कूलों में ये बोल दिया जाए कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज या कोई ऐसा कोई फेस्टिवल या ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो उसमें बच्चों को खेल की बात की जाए तो वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इनसे खेल के द्वारा बच्चों के अंदर आनंददायकता का भी विकास होता है। प्ले के द्वारा प्ले की जो क्रिया होती है वो बच्चों में एक तो उत्साह पैदा करती है, स्फूर्ति आती है, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और चंचलता, प्रसन्नता आदि के गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। ठीक है, अब आधुनिक युग में अगर हम खेलों के महत्व की बात करें तो कई विद्वानों ने ये माना है कि जो खेल की जो शाखाएं हैं, कि विद्वानों ने ये माना है कि हर एक शाखा है जो खेल के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे कि ड्रम है, संगीत है, विभिन्न खेल इत्यादि, ये सारे आधुनिक युग से के युग के खेलों से जुड़े। कुछ खेल बहुत पुराने हैं बेटा जो पीछे से चले आ रहे हैं, जैसे कि अब खो खो है, ये पहले भी लोग खेलते थे, आज भी खेलते हैं, बैडमिंटन है, बैट बॉल है सबसे पहला, तो क्रिकेट जो माना जाता है, तो वो जो खेल हैं वो आधुनिक युग से चले हैं। और आजकल दूरदर्शन, रेडियो के माध्यम से भी खेलों के महत्व को दर्शाया और बताया जाता है। ठीक है, खेलों से जितनी भी जुड़े खिलौने होते हैं उनका प्रयोग के माध्यम से बच्चों के अंदर बौद्धिकता का विकास हो। देखा ना आपने, आजकल हमारे टाइम में नहीं होते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए उनको अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, प्लेस आ गए हैं, कार्ड आ गए हैं, ब्लॉक्स आ गए हैं, या कोई ऐसी साउंड्स आ गई हैं जिनके द्वारा बच्चा पॉइंट्स भी सीखता है, काउंटिंग भी सीखता है और अल्फ़ाबेट वगैरह भी सीखते हैं। ठीक है, खिलौनों के माध्यम से भी बच्चों के अंदर बौद्धिक बल का विकास होता है। और कई विद्वानों ने खेल के द्वारा बच्चों के विभिन्न कौशलों का अभ्यास करते रहे हैं। आपने देखा होगा कई, यानी कि जितने भी ये हमने मोटिवेशन पढ़ा है या उसमें हमने उसकी थ्योरीज पढ़ी हैं, उसमें भी उन्होंने खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाने की कोशिश किया। जैसे अगर पियाजे कहते थे कि अब उन्होंने बोला था कि बच्चों को टास्क दे दिया जाए और वो टास्क के माध्यम से अपने वो चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, यानी कि पढ़ाई में भी, पढ़ाई को भी अगर हम खेल की विधि के द्वारा पढ़ाया जाए तो वो चीज़ सरल और आसान हो जाती है। ठीक है, अब कुछ राइटर्स का मानना है कि क्रो एंड क्रो ने भी बोला है कि जो खेल है, प्ले कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच अ पर्सन एंगेज व्हेन ही इज़ फ्री टू डू व्हाट ही वांट टू।
कि खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, और जिस कार्य को वह करना चाहता है। अब देखो ना, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, अपने आप घर घर खेलते हैं, टीचर टीचर खेलेंगे, कुछ और खेलेंगे, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं अकेले ही अपने आप से बात करते हैं, अपने आप ही खेलते हैं। तो ये ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है कि इसमें बच्चा जो व्यक्ति है वो खुद ही व्यस्त होता है, ठीक है। और कुछ लोगों ने खेल को रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति माना है, ठीक है। कुछ लोग इसे आनंद पूर्ति का साधन मानते थे। अब वैलेंटाइन के अनुसार खेल किसी कार्य के एक प्रकार का मनोरंजन है, जो प्ले है वो एक स्वाभाविक और आत्म प्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेशन शारीरिक और एक मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण भी होती है और जिससे कोई भी अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है बेटा। ये यानी कि जो ये खेल है इससे एक तो संतुष्टि तो बच्चों को मिलती मिलती है ना। अब देखे ना, बच्चों को तो थोड़ी देर के लिए बिठा दो और उसने एक घंटा पढ़ा, दो घंटे पढ़ा, तो फिर उसको लगता है कि अब उसको खेलना चाहिए, चाहे वो अकेला ये वो फुटबॉल खेले, टीवी देखे या कुछ और एक्टिविटी करे, साइकिल चलाए, बट वो उसके प्ले एक्टिविटी में शामिल होगा, ठीक है। अब जो खेल है उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स की बात की, जो खेल है वो एक स्वतंत्र होते हैं, वास्तव में ये एक साधारण या वास्तविक जीवन नहीं होता है, ठीक है। और खेल जो होता है वो ऑर्डिनरी लाइफ से भिन्न होते हैं। खेल की जो ऑर्डर है, जो खेल है वो ऑर्डर पैदा करता है, और खेल के लिए व्यवस्था भी चाहिए होती है, ठीक है। अब उन्होंने खेलों को की करैक्टरिस्टिक की बात की, करैक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, ठीक है। बच्चों के लिए खेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब खेल की भी अलग अलग विधि मानी गई है, खेलने का भी तरीका हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया परंपराओं से सब प्रभावित ट्रेडिशंस के बारे में बताया कि समाज या देश से जुड़ी परंपराओं से भी बालक के खेल के अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अब बच्चे आम तौर पर अपने बड़ों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे कुछ ना कुछ नयापन जोड़ देते हैं। अब कोई भी अगर हम बात करें, हम जब अपने टाइम में खेल खेलते थे तो हमारे वहाँ जैसे गुल्ली डंडा होता था, कंचे खेलना होता था, रस्सी कूदना होता था, तो अब ये वाली जो प्ले बच्चों को अब खिलाए जाते हैं तो उसमें कुछ नयापन डाल दिया गया है, ठीक है। उसमें नयापन डालने से उनकी जो खेल की विधि तो वही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नया टच देने के बाद बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया, और इस प्रकार उस नएपन के कारण उनकी वृद्धि हर पीढ़ी करती रहती है। और यह किसी बालक विशेष का कार्य नहीं होता कि वो एक किसी एक के लिए नहीं, वो सबके लिए सेम है, चाहे हमारे मम्मी पापा थे, चाहे हम हैं, चाहे हमारे आगे बच्चे हैं, जो प्ले उन्होंने खेले हैं वही प्ले यहाँ पे खेले जाते हैं, लेकिन खेलने के तरीकों में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, कहने का मतलब ये है। फिर अगर स्टेज ऑफ डे ड्रीमिंग की बात करें, दिव्य स्वप्न अवस्था की अगर हम बात करें, तो इस अवस्था का जो प्रारंभ है जिसमें बच्चा सपने लेना शुरू कर देता है, मैंने मम्मा ये बनना है, मैं बड़ा होकर ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये कार लूँगा, या बड़ा होकर ऐसा करूँगा, मम्मा मेरे को ये करना है वो करना, यानी कि जो 10 वर्ष की आयु होती है ना उसमें बच्चा जो होता है वो डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देता है। इसके पश्चात धीरे धीरे मन खेल से दूर होने लगता है और वह खाली समय में बैठकर वो दिव्य स्वप्न ही लेता है। अब जैसे हम गर्ल्स ही हैं, मान लो कि हम अगर अपनी बात करें तो हम घर घर खेलते हैं, मान लो घर घर खेलते हैं, तो उसमें हम बना देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर हम बड़े होके मम्मा ये बनेंगे। हम गर्ल्स को होता है कि बार हम मेरा जो हस्बैंड हो वो ऐसा हो, मेरा जो घर हो वो ऐसा हो, शादी के बाद ये वो, यानी कि जो ये स्वप्न जो बचपन में होते हैं वो कुछ और होते हैं। धीरे 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 खेलों में कमी आनी शुरू हो जाती है, बच्चे खेलना कम कर देते हैं, नहीं तो बच्चे सारा छोटे बच्चे होते हैं वो सारा दिन ही खेलते हैं। अब धीरे 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 जैसे स्टडी प्रेशर बढ़ता है, एज बढ़ती है, तो
खेलों में भी थोड़ी चेंजेस आ जाती है। बोल नहीं देते कई बड़े बच्चे, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो ये वाला खेल खेलूँ, तो वही बात होती है कि उनके खेलों में चेंजेस आती है। आजकल बच्चे वीडियोस गेम ज़्यादा खेलते हैं, तो छोटे बच्चे भी खेलते हैं लेकिन बड़ों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है। फिर वैसे ही धीरे 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 उनका मन खेलों से दूर डे ड्रीमिंग में लग जाता है, वो सोचने शुरू कर देते हैं कि हाँ मैंने इस अचीवमेंट को पाना है, इस यानी कि मैंने ये बनना है तो मुझे इतनी मेहनत करनी होगी। अगर कल को जैसे मान लो किसी के पास कोई चीज़ की कमी होती है तो वो ये सोचने शुरू कर देते हैं कि कल को मैं इतना पढ़ूंगा कमाऊंगा तो अब मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये सब कुछ होगा। तो यानी कि डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है उसमें। आयु बढ़ने के साथ साथ उनके जो डे ड्रीमिंग होती है उनमें प्राकृतिक बदलाव आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने खोजक अवस्था की बात की, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि बालक के खेलों का विकास एक निश्चित क्रम से होता है। सबसे पहली अवस्था उनकी जो होती है वो खोजक अवस्था ही होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा जो भी चीज़ सीख देखता है उसे छपटने का प्रयास करता है, यानी कि ऐसी अवस्था में बच्चा उसके हाथों में क्रियात्मक और कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है बेटा इसमें कि उसको एक्सपेरिमेंटल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को। अब ऐसे होता है ना कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ दी जाए ना आज के टाइम में, तो वो उस चीज़ में चेंजेस उसमें चेंजेस करने शुरू कर देता है कि नहीं मम्मा ये ऐसे नहीं, ऐसे होती तो कितना अच्छा होता, अगर इसमें अगर किसी टॉयस की दिया जाए तो मम्मा अगर इसका इसके ये चीज़ यहाँ होती तो कैसा होता। यानी कि उनके अंदर की जो अवस्था है वो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उनके हाथों में कौशल आ जाता है, स्किल्स आ जाती हैं। अब कोई ड्राइंग में चित्रकारी में इतना अच्छा होता है, देखते देखते चीज़ बना लेते हैं, कई छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं। कुछ समय के पश्चात वो जो अब छोटे बच्चे की बात की जाए, सबसे पहले वो जब बच्चे का जन्म होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है पलटी मारना शुरू करता है, उसके बाद वो बैठना शुरू करता है, देन क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे घिसट पिटक के चलना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे उसके वो स्टेप बढ़ते जाते हैं और वो प्रॉपर चलना सीख जाता है। वैसे वही चीज़ इसमें आती है कि इसके पश्चात वह उसकी जो सीखने की जो गति होती है उसमें धीरे धीरे बढ़ावा यानी कि स्टेप बाई स्टेप वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उनकी आई है टॉय स्टेज, खिलौने की अवस्था होती है। एक वर्ष की अवस्था से बालक खिलौने से खेलना शुरू करते हैं, वो उसको ओरिजिनल चीज़ मानते हैं। अगर हम कई बच्चों को अपने कोई ऐसे टॉयज होते हैं जो बहुत उनको पसंद होते हैं, उनके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। तो मैं अपनी गुड़िया के बाप बताती हूँ, अगर एक बचपन से उसकी एक डॉल है जो उसे बहुत पसंद है वो उसको लेके ही सोती है अभी तक, इवन अगर उसके पास वो चीज़ ना रखी जाए, उसको ना ही दिखे तो वो रोना शुरू कर देती। तो वो उन बच्चों को चाहे वो टॉयज ही हों उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। 8 वर्ष की अवस्था तक जो बालकों के खिलौने के साथ खेलने की अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, इनकी 8 ईयर्स तक बच्चे खेलते हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक यह समझता है कि खिलौने में भी जीवन है, ठीक है। उनकी जो जिंदगी होती है ना वो टॉयज तक ही सीमित हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि हाँ ये चीज़ रियल है। वही बात होती है ना जैसे हमने पहले भी बताया, अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखानी हो तो हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, पिक्चर के माध्यम से सिखाते हैं, वही चीज़ बेटा इसमें है, ठीक है। वो जो ट्वाइस स्टेज होती है उसमें वो उनके सराउंडिंग में ही रह जाते हैं, उनको वो चीज़ें ही रियल लगती हैं। अब प्ले स्टेज की बात करें हम, 1 वर्ष के पश्चात जब बच्चा ठीक प्रकार से चलना शुरू कर देता है 1 ईयर्स के बाद, तब वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, तब वो ये सोचता है कि वो बच्चे मेरे साथ खेले, ठीक है। शुरू में वो दूसरे बच्चों के साथ खिलौने से खेलते हैं, ठीक है। पहले वो बच्चे जैसे ना प्लास्टिक के वो कप्स वगैरह प्लेट्स वगैरह होती हैं तो वो घर घर खेलते हैं, तो दूसरे बच्चों को भी बुलाता है तो वो उन्हीं के साथ ही खेलते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ने के साथ वो दूसरे खेलों में उनकी रुचि बढ़ जाती है। जैसे अब मान लो कि वो बच्चे बड़े होंगे तो साइकिलिंग चलाएंगे, वे नहीं तो क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे या कुछ और लुकन छुपी या कुछ ऐसी हाइड एंड सीक वगैरह। 8-9 वर्ष तक ये खिलौने के साथ खेलते हुए दौड़ने लगता है
और समूही खेलों से अधिक रुचि लेने लगता है। स्कूल शुरू होने पर वह नए नए बच्चों के साथ मिलते हैं, नए नए खेल सीखते हैं और ऐसी अवस्था में उसे उसका जो उसकी जो हॉबीज है वो विकसित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, धीरे धीरे अब कुछ खेल हम अब आजकल के जो प्लेस हो हमें नहीं पता है। आजकल बच्चे वो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं ना, तो वो हमारे को नहीं पता था, लेकिन अब बच्चे हमारे जब स्कूल गए वहाँ बच्चों से देखा खेलते होंगे तो वही चीज़ हमारे साथ खेलने की कोशिश करते हैं कि स्टोन पेपर सीजर भी कोई गेम है। ठीक है बेटा, पबजी आ गई, अब तो उसकी नॉलेज तो हमें भी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे स्कूल्स में जाना शुरू कर देते हैं तो उनके खेलों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब आयु के साथ क्रिया में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन एक्टिविटी विद एज, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी खेलों की क्रियाओं में भी कमी होती चली जाती है। नहीं खेलते बेटा आजकल के बच्चे, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे होते हैं, 5, 6 की बात होती है तो बच्चे अंदर ही रहना शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन। ठीक है, जो कोई स्टडी प्रेशर भी हो जाता है ना, उस वजह से भी होता है। इस कमी का मुख्य कारण होता है पढ़ना लिखना या काम की ओर उन्मुख होना, कि सबसे ज़्यादा बच्चा जो जैसे आजकल का टाइम है, बच्चा मॉर्निंग में जाता है 3-4 बजे बच्चे घर पहुँचते हैं, तो उसके बाद देन खाना वाना खाएंगे तो ट्यूशन वर्क हो जाता है, वर्कलोड इतना होता है कि टाइम इतना हो जाता है कि रात हो जाती है, तो बच्चे को खेलने का टाइम ही नहीं लगता है। ठीक है, जो 7 वर्ष की आयु की अवस्था होती है उसमें प्ले एक्टिविटी की औसत संख्या 27 होती है, और 11 वर्ष की अवस्था में 21 और 16 वर्ष की आयु में यह औसत केवल 13 ही रह जाती है, कि वो औसत कम होती गई ना, पहले 27 थी, ज़्यादा खेल क्रिया ही होती थी प्ले एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद वही प्ले एक्टिविटी 21 होगी, फिर 16 ईयर्स की एज में वो 13 होगी, क्योंकि स्टडी प्रेशर पड़ गया। स्टडी प्रेशर के साथ साथ आजकल बच्चों के अंदर ये भी होता है कि जो मैंने मार्क्स है मैंने उससे थोड़े ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, अब आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के दोस्तों की संख्या में भी कमी आ जाती है, अब एक या दो ही दो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके साथ ही बनती है। ठीक है, और ये खेल क्रियाएँ यानी कि एक्टिविटी की प्ले एक्टिविटी की वजह की जो क्रियाएँ हैं वो कम होने लगती हैं। अभी वेरिएशन की बात करें कि बालक के खेलों में भिन्नता होती है, ये आम तौर पर तब देखा जाता है जब बच्चे खेल खेलने में का अंतर रहता है, और ये अंतर खेल खेलने के तरीके में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्ले चेंज फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, कि प्रारंभिक अवस्था में जो बालक है उसके खेल की किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, उनका जो खेल है वो स्वाभाविक होता है। बालक कहीं पर भी किसी के साथ भी और कितनी भी देर तक खेलता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता, वो बड़ी एज के बुजुर्गों से भी आया ओल्ड एज वालों से भी खेल लेते हैं, हमारी एज वालों से, मीडियम एज वालों से भी खेल लेते हैं, छोटे बच्चों से भी खेल लेते हैं। बट आप लोगों ने एक चीज़ देखी हो कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी एज ग्रुप को ढूंढते हैं कि अगर हमारी एज ग्रुप का हो तो वो, नहीं नहीं आपको नहीं पता है, आपको ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं आता है, ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, तो वो अपनी एज ग्रुप को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की पाबंदी का ध्यान नहीं रहता, लेकिन आयु जैसे ही समझने और बढ़ने के साथ साथ उनके खेलों के औपचारिक नियमों का ज्ञान भी उन्हें होने लगता है। बच्चों को बचपन में कुछ भी पहना दो, जैसे लेगिंग और टी शर्ट्स, और आप पहना के देखो, आप जैसे कि अब 10-11 साल के बच्चों को, इवन 7-8 साल के बच्चों को भी अपन वो अपनी पसंद की ड्रेसेस पहनते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है। आयु तथा समझ बढ़ने के साथ साथ उनके खेलों के औपचारिक नियमों का ज्ञान उन्हें होने लगता है, चाहे खेलों की औपचारिक ड्रेस पहनकर खेलना चाहते हैं, इस प्रकार उनके खेल से जुड़ी औपचारिकता आने लगती है। यानी कि मान लो कि अगर आजकल अगर हम बॉयज़ की बात करें तो जैसे डोरेमोन है, वो बोलते हैं, वो जैसे वो कार्टून कैरेक्टर्स में होते हैं, मैं छोटा भीम हूँ, मैं लड्डू खाऊंगा तो मुझ में ऐसा हो जाएगा, मोटू पतलू की बात करें या सिंचैन की बात करें किसी, तो वो उस करेक्टर की तरह बनना चाहते हैं, और वो अगर बर्थडे है, शूज़ लेने हैं, बैग लेना है, कुछ लेना है, वो उस चीज़ में उनका कार्टून कैरेक्टर होना चाहिए, तभी वो अपने आप को औपचारिकता मानते हैं। 12 और 13 वर्ष की आयु तक ये नियम अनुसार खेलने लगते हैं।
तब उन्हें थोड़ी एक्टिव, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को नहीं ना पता होता अगर हम उनके साथ लीडो खेलते हैं तो वो नहीं मम्मा यहाँ से गिटी उठाई हो यहाँ रख दी यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। बट बढ़ती एज के साथ साथ उन्हें हर एक चीज़ की समझ आनी शुरू हो जाती है चाहे वो प्ले क्यों ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है खेल की क्रियाओं में विशिष्टता का आना। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में खेल की क्रियाओं में विशिष्टता का अभाव रहता है क्योंकि उनके ध्यान का जो विस्तार है वो सीमित होता है, उनमें जो मानसिक और शारीरिक योग्यताएं जो होती हैं वो सीमित होती हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आयु बढ़ने लग जाती है उनकी परिपक्वता बढ़ जाती है, उनकी बौद्धिक शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं और उन परिणाम स्वरूप क्या होता है उनके खेल जो खेल की क्रियाएँ होती हैं उसमें विशिष्टता आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये तो थे बच्चों के खेल की आवश्यकताएं, करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ प्ले। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्ले की अगर हम बात करें खेलों के प्रकार, खेलों का जो वर्गीकरण है वो तीन आधारों पर किया गया है, थ्री टाइप्स ऑफ प्ले ऑन द बेसिक ऑफ द नंबर ऑफ प्लेमेंट और खेल साथियों की संख्या के आधार पर, शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर, खेल के स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ प्ले ऑफ द प्लेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे खेल के स्थान के आधार पर, सॉरी ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ प्लेमेंट यानी कि खेल साथियों की संख्या के आधार पर। हर खेल में खेलने वालों की जो संख्या है, हर खेल में खेलने वालों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और इस खेल के इस आधार पर ही खेल के कुछ निम्नलिखित प्रकार माने गए हैं। पहले उन्होंने माना है समांतर खेल, ये वो खेल होते हैं जिनमें बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं यानी कि अलग अलग खेलते हैं। अब जैसे घर में अगर दो बच्चे तीन या चार बच्चे हैं तो दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, खेल में उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। कई बच्चे अगर घर में अगर मान लो कोई सिंगल चाइल्ड है तो वो अकेला भी घर में खेल लेते हैं, घर में अकेले घर घर खेलेंगे या खुद से ही बातें करेंगे, डॉल से बातें करेंगे या किसी और से बातें करेंगे। ठीक है, उनमें उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। परम में बच्चों में सामाजिकता की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह अवस्था लगभग 14 मास तक ऐसे ही रहती है और ऐसी अवस्था में बच्चे जो अपने दैनिक जीवन में आम तौर पर अकेले देखे जा सकते हैं और 7-8 माह के बच्चे के जो बच्चे होते हैं मंथ्स के बच्चे जो होते हैं यदि कुछ खिलौने दे दिए जाए तो वह उनमें ही लीन हो जाते हैं। बट आजकल का टाइम उल्टा है, बच्चे टॉयज के साथ कम मोबाइल के साथ ज़्यादा खेलते हैं, चाहे वो मोबाइल्स में वीडियोस की बात करें चाहे वो गेम्स की बात करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है सहचारी खेल। इस अवस्था में दो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और ऐसी अवस्था में उनका शारीरिक मानसिक योग्यता का विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास इसलिए होगा ना, अगर वो बच्चा घर में अकेला तो किसी और के घर खेलने जाता होगा तो उन बच्चों की सोच में डिफरेंसेस होंगी तो उनकी वो समाज के साथ मेल खाएगा और उनकी जो उनका जो सामाजिक विकास होगा और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलने लग जाते हैं और इस प्रकार इन ऐसे बच्चों में जिज्ञासा वंश अकेलेपन के जो कारण होते हैं वो थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। वो जब भी खेलने की कोशिश करेगा वो अपने साथी के साथ खेलेगा। ठीक है, इसमें वह चलना घसीटना ऐसी ऐसी चीज़ें और खिलौनों की छीना छपटी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप प्ले यानी कि सामूहिक खेल। ये ऐसे खेल होते हैं जिनमें तीन या अधिक बच्चे भाग लेते हैं ग्रुप में। ठीक है, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी होगी, बैडमिंटन हो गया या कुछ ऐसी और खेल के चाहे घर घर भी है ऐसी चीज़ों के लिए। लगभग 3 या 4 वर्ष की अवस्था में बालक ऐसे खेल खेलने शुरू कर देते हैं जिसमें अधिकतर 7 या 8 वर्ष की आयु में ये खेलना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चे एक ग्रुप में खेलते हैं, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं। फुटबॉल होगी, क्रिकेट हो गया, हॉकी होगी, आँख मिचोली होगी, हाइड एंड सीक वगैरह ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो ग्रुप प्ले में खेलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात की उन्होंने
वो है ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट की, यानी कि खेल के स्थान के आधार पर, ठीक है, शारीरिक मानसिक शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर। इन खेलों में वे खेल शामिल होते हैं जिनमें शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं। जैसे पहला है फिजिकल प्ले, शारीरिक खेल। अब शारीरिक खेल वे खेल होते हैं जिनमें बालक का शरीर मस्तक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जैसे छोटे बच्चों का लेट कर हाथ पैर मारना। 5 माह का बालक ऐसी क्रियाएं करता है, ठीक है, वो अपने आप से ही खेलता है। अगर उनके ऊपर कोई ऐसे कुछ चीज़ भी रख दी जाए, अगर उनको फेस बना बना के हंसाया जाए, तब भी खेलते हैं वो। तो इन ऐसे बच्चों की जो मस्तिष्क की उपेक्षा क्रियाशील होती है, जैसे छोटे बच्चों का लेटकर हाथ पैर मारना, 5 मंथ का जो बेबी होता है उनकी ऐसी क्रियाएं करता है। और जो प्ले के मैदान में बच्चों की मानसिक क्रिया की उपेक्षा शारीरिक क्रियाएं अधिक सक्रिय होती हैं, ठीक है। कहते हैं ना आजकल बच्चे कहाँ खेलते हैं, आजकल तो इंडोर गेम्स होती नहीं है बच्चों के, वो आउटडोर में टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं। क्या इससे क्या होता है, उनका जो शारीरिक विकास रुक जाता है। इसलिए कहते हैं जितना हो सके बच्चों को खेलने देना चाहिए और ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए ताकि बाहर में ग्राउंड में बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, ऐसे में उनका शारीरिक विकास होता है। और अधिकतर बच्चे जो 7 या 8 वर्ष की आयु के होते हैं ये खेल खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इन क्रियाओं के द्वारा बालक का शारीरिक विकास भी और कौशल का विकास भी होता है। अब मेंटल प्ले की बात करें, मानसिक खेल की बात करें, ये वो खेल होते हैं जिनमें शारीरिक क्रियाएं कम तथा मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं, ठीक है। अब माइंड वाले खेल्स होते हैं ना, फजल्स गेम होगी, कार्ड्स हो गए, शतरंज होगी, कहानी सुनना, पहेलियां बूझना, ठीक है, ऐसी चीज़ें ये मेंटल प्लेस में आती हैं। नेक्स्ट उन्होंने ऑन द बेसिक ऑफ प्लेस ऑफ द प्ले की बात की कि खेल के स्थान के आधार पर अगर हम बात करें, 2 तरह के होते हैं, एक इंडोर गेम्स, एक आउटडोर गेम्स। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। जिस घर के अंदर जैसे हम ताश खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड है, लिडो है, हाइड एंड सीक है, चाइनीज़ चेकर आदि है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडोर खेली जाती हैं। आउटडोर गेम्स घर के बाहर जो होते हैं वो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी कई प्लेज ऐसे हैं जो हम बाहर खेल सकते हैं, ठीक है बेटा। और खेल साथियों की संख्या के आधार पर भी होते हैं और शारीरिक मानसिक सक्रिया के आधार पर भी होते हैं और खेल स्थान के आधार पर भी होते हैं। हम अगर ये तो बेसिक खेल है जो खेल खेलने से होता है, ठीक है, फिजिकली मेंटल, जिनमें फिजिकली प्ले, मेंटल प्ले, और बेसिक प्ले में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अगर हम सम अदर प्लेस की बात करें, कुछ खेल उपयुक्त खेलों के अतिरिक्त कुछ अन्य खेल भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है रचनात्मक खेल, ठीक है, रचनात्मक खेल। इस खेल में क्या होता है, इस खेल में कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाना शामिल होता है, जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाना, रेत के वो पहाड़ बनाना, बालू बनाना, गुफाएं बनाना, कैंची की सहायता से पेपर कटिंग, ठीक है, ब्लॉक डिज़ाइन बनाना, रंगों से डिज़ाइन बनाना, ये आजकल बच्चों के ब्लॉक्स आते हैं, हाउसेस वगैरह बनाते हैं ये चीज़। पजल्स गेम्स होगी, कार्ड्स को जोड़कर जो एक्टिविटी की जाती है वो, ये रचनात्मक खेलों में शामिल होते हैं। 5 वर्ष की आयु से जो बच्चे ऐसे खेल खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे आयु के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके होते हैं, तब वे खेल खेलना सीख जाते हैं। अब घर बनाना, कागज़ की नाव बनाना, जहाज़ बनाना, कैब बनाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी शुरू हो जाती है। ये इसमें इससे क्या होता है, उनका रचनात्मक विकास होता है, ठीक है। और 7-8 वर्ष तक की आयु के बच्चों में मौलिकता दिखाई देने लगती है, और आयु बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ उनके खेलों में भी मौलिकता बढ़ने लगती है। नेक्स्ट अगर हम स्वतंत्र और स्वाभाविक खेल की बात करें, तो इसमें बच्चों के जीवन में स्वतंत्र और स्वाभाविक खेल सर्वप्रथम शुरू होते हैं जब बच्चा 3 महीने का होता है, ठीक है, और ऐसे खेलों में बालक किसी भी प्रकार के नियमों और प्रतिबंध आदि की पालना नहीं करता,
जब जी चाहता है खेलता है, जब जी चाहता है सोता है, तब जब जी चाहता है वो उठता है, और जब जी चाहता है वो खेलना शुरू कर देता है फिर से। ठीक है, कहते होते हैं ना वो एज बहुत अच्छी होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, किसी प्रकार की पढ़ना नहीं होता, बस उसमें खाना पीना सोना और खेलना ही होता। और वो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर यानी कि स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन उनका होता है। ठीक है, इसमें लड़के लड़कियां इस प्रकार के खेल समान रूप से खेलते हैं, जैसे खिलौने खोजने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, लड़कों को कुछ और पसंद होता है, लड़कियों को कुछ और, तो डॉल्स के साथ खेलना ज़्यादा पसंद लगता है। ठीक है, लड़कियां खोजने में अधिक समय व्यतीत करती हैं, लेकिन 5 वर्ष की आयु में ऐसे खेल बहुत कम हो जाते हैं। अब उसके बाद वो एक्टिविटीज़ कम होती जाती है। अब रीडिंग की बात करें, पढ़ने को भी एक प्रकार का खेल ही माना गया है, जिससे वो आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल बात हो गई है, तो उनको खेल की विधि के द्वारा खेल खेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों को इसमें क्या होता है कि दूसरे की सक्रियता और क्रियाशीलता का मजा लेते हैं। बच्चे अकेले होने पर जब उनका खेलने का मन नहीं होता तब वह पढ़ने का मजा लेते। आम तौर पर बच्चों के घर में बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, घर में बैठने हेतु उन्हें जो पढ़ने की स्थिति का माहौल बनाया जाता है, और ऐसे देखा गया है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक अध्ययन करती हैं। अब लड़कियों इंटरेस्ट की बात होती है, लड़कियां पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी लिख के भी देखेंगे या कुछ और एक्टिविटीज़ करती रहेंगी। बॉयज़ को सिर्फ ये होता है कि मैंने पढ़ना है, पढ़ा और अब पढ़े और हमने अदर एक्टिविटीज़ कम करते हैं लेकिन कम करते हैं। और लड़के समाचार पत्र पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। आजकल बच्चे कॉमिक्स अधिक पढ़ते हैं, 3 वर्ष तक का बच्चा कॉमिक्स में चित्र देखने लगता है, और 10-11 वर्ष तक की आयु में उसका कॉमिक्स पढ़ने का शौक चरम सीमा तक पहुँच जाता है। ठीक है, और जो बच्चे सीखने में मंदे होते हैं उन्हें कॉमिक्स अधिक पढ़ते हैं और पुस्तक कम पढ़ते हैं। हंसी मजाक वाले कॉमिक्स को लड़के कम पसंद करते हैं और लड़कियां अधिक पसंद करती हैं। ठीक है, अब कॉमिक्स पढ़ने में रुचि अधिक होने के जो निम्न कारण होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉमिक्स पढ़ने से बच्चों की कल्पना शक्ति के साथ जुड़ते हैं, बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है और सरल हो जाता है, पढ़ना आता है बच्चों को। बच्चे रहस्य में हंसी मजाक वाले कॉमिक्स पुस्तकों में अधिक पसंद करते हैं, जैसे कि कोई अब CID आता है या फिर कुछ और आती हैं ऐसी चीज़ें में, वो वैसी वैसी कॉमिक्स पढ़नी ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉमिक्स थोड़ी रंगीन कलरफुल और थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, इससे उसका एडवांटेज ये होता है कि कॉमिक्स पढ़ने से बच्चों की जो पढ़ने की योग्यता में बढ़ावा होता है, बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, उनके शब्द भंडार में विकास होता है। ठीक है, और इनके डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चे अपने वास्तविक जीवन के प्रति कुछ नीरस अनुभव करते हैं, कि वो वैसा सोचने लग जाते हैं जैसा उनकी कहानी में होता है। ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चे अन्य खेलों में रुचि नहीं लेते, तो जब पढ़ के हटते हैं तो उनकी रुचि कॉमिक्स में होती है, तो वो खेल ही नहीं जाते, उनका शारीरिक विकास नहीं होता है, उस तरफ में जो रुचि वो कम होती जाती है। और कॉमिक्स की भाषा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है, और इससे इन्हें पढ़ने वाले बच्चे अच्छा साहित्यिक पढ़ने में का से जो मन चुराते हैं, उन्हें वो नॉर्मल ही चीज़ें पसंद आती हैं जो उन्होंने देखी हैं। अब रेडियो और टेलीविज़न की बात करें नेक्स्ट। 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं रेडियो में अधिक रुचि लेने लगते हैं, लड़के रेडियो सुनना अधिक पसंद करते हैं, और प्रतिभावना वाले जो लड़के होते हैं वो रेडियो सुनना पसंद करते हैं। ग्रामीण बच्चे और शहरी बच्चों की अपेक्षा रेडियो सुनना अधिक पसंद करते हैं। अब गांव और शहरों की बात आ जाती है, तो गांव में वो बच्चे वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी आउटडोर ही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, और जो अगर शहरों की बात की जाए तो बच्चों को पेरेंट्स बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनडोर ही होती है। ठीक है, रेडियो से क्या होता है, उनकी भाषा में सुधार होता है, लेकिन रेडियो सुनने से उनकी शारीरिक क्रियाओं से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास भी उनका रुक जाता है, और 6 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चे के टेलीविज़न देखने की प्रवृत्ति अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, जिससे IQ उनका जो लेवल है वो टेलीविज़न देखने से उनका थोड़ा थोड़ा IQ लेवल जो वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब वही नेक्स्ट जो है डे ड्रीमिंग की बात,
इसे मानसिक खेल के वर्ग में रखा जाता है। छोटे बच्चे मुख्यतः अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में द्विस्वप्न जो डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, स्वप्न लेने शुरू कर देते हैं और 12 वर्ष तक की आयु तक उनकी जो ये डे ड्रीमिंग है वो चरम सीमा तक पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि धीरे धीरे उनकी रचनात्मक खेल की और जो खेलते हुए उन्हें देख सकते हैं, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वप्न दिखती है। ठीक है, अब कुछ अन्य खेल में थे हम, पहले रचनात्मक खेल, स्वतंत्र और स्वभावी खेल, पढ़ना, रेडियो और टेलीविजन और द्वव्य यानी कि दिव्य स्वप्न। ठीक है बेटा, ये तो था आज का टाइप्स ऑफ प्ले, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्ले, ठीक है, एंड मीनिंग ऑफ प्ले। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।